तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो डेरिवेशन है वो वाला, और सर ने कितना बताया था ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है। ये जो डेरिवेशन रहेगा वो आपका इसी फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे हम। तो लैम्डा इज इगल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 7 बट्टा √V एंगस्ट्रॉम। तो इसी का डेरीवेशन को हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो डेरीवेशन रहेगा इनके लिए सर ने जो अपना था ना एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था ना पहले, मेरे को नाम फिलहाल याद नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे भूल गया, याद नहीं आ रहा है, होता है कभी कभी। तो वो जो एक्सपेरिमेंट हमने पहले किया था, ये लिनार्ड वगैरह एक्सपेरिमेंट, लिनार्ड सर के एक्सपेरिमेंट, उसके बाद हमने आइंस्टाइन के इक्वेशंस को देखे थे, तो उसी के ऊपर बेस्ड करके इस मतलब डी ब्रॉगली सर सारे हाइपोथेसिस ही देते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको प्रूव किया जाता है, तो ये उसी के ऊपर बेस्ड करके रहेगा। तो यहाँ पे डी ब्रॉगली सर ने क्या बोला एग्जैक्टली, तो उन्होंने बोला एज इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल, एज इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम एमीटर प्लेट टू द कलेक्टर प्लेट इट बिहेव्स एज वेव। क्या बात है, क्लियर है? डन का एनी हमने यही चीज़ पढ़ा था ना कि क्या क्या बन जाता है ये इलेक्ट्रो, ये जो लाइट यहाँ से निकलता है तो वो वेव के जैसा बिहेव करता है, जब हिट करता है तब इलेक्ट्रॉन के जैसा, लाइट के जैसा कहानी, ये सब मैंने ऑलरेडी बताया तुम्हें। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम एमिटर प्लेट टू द कलेक्टर प्लेट इट बिहेव लाइक ए वेव एंड इट हैज़ वेव लेंथ। लेकिन प्रैक्टिकली शो नहीं किया था उन्होंने, बस मैंने उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था एंड इट हैज़ वेव लेंथ। उसको समझाने के लिए सर ने क्या बोला एग्जैक्टली, मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा अभी। ए सपोज मेरे पे पॉजिटिव टर्मिनल है, नहीं नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल दैट इज़ आपका एमीटर प्लेट, देन इसके एक्सपेरिमेंट का मैंने पूरा बढ़िया से पहले बताया था ना, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है दैट इज़ कलेक्टर प्लेट। क्या ये बातें क्लियर है? सो अगर हम बात करें जो हमने कन्वेंशन बनाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से रहेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल करते हैं, बट हमें पता है रियलिटी में ट्रैवल कौन करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है, और कहाँ से, वो नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रैवल करता है, और असली पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज कभी ट्रैवल नहीं करता है, ठीक। तो जैसे अब ज़रा ध्यान देना, जैसे आप देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ से, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ट्रैवल करता है, तो वही आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कहाँ से, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आ जाता है ना। सो यहाँ पे लिखते हैं हम एज व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड एमिटेड इट ट्रैवल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, डन है क्या? पोटेंशियल किसकी वजह से, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैंने पढ़ा भी था इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, नेगेटिव चार्ज मूव करेंगे, डन है क्या? उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया था कि लैम्डा इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट बट्टा पी। क्या बात है, क्लियर है? ए लिख सकते हो आप लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट बट्टा पी, ये अपना डी ब्रोगली सर का मैटर वेव था। अच्छा, कोई इसको ना ड्राइव भी कर सकते हो यार, इसको ड्राइव करने के लिए ना बहुत ही सिंपल है यार, ये ड्राइव शुरू ही पता है कहाँ से, आप इसका डेरिवेशन करवा रहे हो, चलो इसका डेरिवेशन करवा देता हूँ। इसका जो डेरिवेशन है ना वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से शुरू होता है, क्योंकि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट शुरू ही हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इसका, मैंने बताया था ना हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट के साथ, तो वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने फॉर्मूला निकाला था, मोमेंटम इज इक्वल टू ई बट्टा सी, यही निकाला था ना। ये किसके लिए था, ये तो वहाँ पे लाइट के लिए यूज़ किया था मैंने, इसको मैंने लाइट के लिए यूज़ किया था। इसको अगर मैं जनरल वे में लिखूँ जो लाइट के लिए नहीं है, कोई भी पार्टिकल के लिए है, तो पार्टिकल के लिए भी एनर्जी बट्टा सी क्या था, स्पीड ऑफ लाइट था, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट बोलो, मतलब स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल या फिर वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल बोल दो, ये बातें क्लियर है? अब आइंस्टाइन सर ने ऑलरेडी बोला था एनर्जी कितना होता है, एच न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, अगर वेव के फॉर्म में जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट लैम्डा करेगा, वेवलेंथ करेगा डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम। अब देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू
लैम्डा को रख दिया लैम्डा, ये क्या है 1/T है ना, 1/T क्या रहेगा तुम्हारा, फ्रीक्वेंसी रहेगा। अब इन दोनों को तुम यहाँ डाल देते हो, यहाँ तुम अगर डाल देते हो तो पी कितना आएगा तुम्हारे पास, एच न्यू डिवाइडेड बाय वेलोसिटी की जगह में क्या लिख दोगे, लैम्डा न्यू, ये कट जाएंगे। तो इसको तुम अगर सॉल्व कर लोगे हरा सा ज़रा सा, तो ये बचता है तुम्हारे पास एच बट्टा लैम्डा, यहाँ से लैम्डा निकालोगे तो कितना आएगा, एच बट्टा पी। तो यही है वो फॉर्मूला, यही है वो फॉर्मूला जो उन्होंने दिया था। ओके यहाँ तक चलो हमने बात कर लिया। अब देखो अब यहाँ पे बात आगे बढ़ती है। अब इस फॉर्मूले को लैम्ब एच, अभी अगर कोई पार्टिकल है तो उसके पास मोमेंटम होगा, उसका वेलोसिटी मास इनटू वेलोसिटी, डन है क्या, एनी हाउ चलो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें हियर, जब इस एक्सपेरिमेंट को हम कर रहे थे तो हम क्या मेजर कर रहे थे, पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर कर रहे थे, मतलब कुल मिला के पोटेंशियल मेजर कर रहे थे, और क्या मेजर कर रहे थे हम, और हम करंट वगैरह मेजर कर रहे थे, यही सब तो हम यही तो चीज़ें हम मेजर कर पा रहे थे वहाँ पे, या हमारे पास जो अवेलेबल था, क्योंकि हम मेजरमेंट लेने के टाइम यही दो चीज़ें मेजर कर पा रहे थे। तो हियर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाई स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो सारी चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, फिर से। तो काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिश्ता मैंने क्या लिखाया था, ई वी नॉट, क्या बात है, क्लियर है। ऑल्सो तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होता है, सो ई वी नॉट यहाँ पे लिख दिया, क्या बात है, हमें समझ आता है। इसको अगर हम ज़रा सा सॉल्व कर लेंगे तो टू को अगर वहाँ भेज देते हैं तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ई वी नॉट बचता है। अगर दोनों साइड में हम एम और वी से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा हमारे पास, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ एम, दोनों साइड में एम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए साइड से एम से मल्टीप्लाई करेंगे एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ए साइड में एम से मल्टीप्लाई करेंगे टू एम ई वी नॉट। सो कुल मिला के तुम्हारे पास यहाँ से एम वी कितना आता है, खाली एम वी आ जाएगा अंडर रूट टू एम ई वी नॉट। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जानने वाला है, हियर इस फॉर्मूले में एम क्या है आपका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है आपका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या है आपका, वी नॉट है जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें हैं ना। सो क्या मैं अभी इस फॉर्मूले को लिख सकता हूँ, क्या मैं इस मोमेंटम को फॉर्मूले को भी लिख सकता हूँ, एच बट्टा इसको 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 इस फॉर्मूले को एच बट्टा एम वी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, अंडर रूट टू एम ई वी नॉट। अब देखो दो पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन, पोटेंशियल वो तो जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब पता चलेगा। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो एग्जाम में तुम्हें ये सारे चीज़ें गिवन होते हैं, ठीक है, जो CBSE का पेपर आता है उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं दिया रहेगा, प्लैंक्स कांस्टेंट ये सब लिख के आता है। तो अगर तुम्हें याद है तो वेल एंड गुड, नहीं है तब भी चलेगा। तो यहाँ पे जो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है वो है आपके पास 6.62 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज वेल नोन टू अस 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो भाई सबको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और यहाँ पे एक्स्ट्रा बचता है वी नॉट। जब इन पूरे नंबर को हम सॉल्व करते हैं ना, जब इन पूरे नंबर को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास लैम्डा एनर है, तो हमारे पास लैम्डा कितना निकल के आता है, हमारे पास लैम्डा निकल के आता है एक बहुत ही प्यारा सा नंबर दैट इज़ 12.27 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर बाई अंडर रूट वी, ठीक है, वी या वी नॉट वट एवर यूज़ है, ठीक है। वी नॉट रहेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का केस रहेगा, वी रहेगा तो कोई भी एक जनरल पोटेंशियल का बात चलेगा, नहीं क्या। सो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 10 टू द पावर -10 असल में क्या है एंगस्ट्रॉम है डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी। तो ये होता है वेवलेंथ का फॉर्मूला आपका डी ब्रोगली सर का, मूविंग इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूले से आ जाएगा। तो सर ने बस ये फॉर्मूले तक निकाल के दे दिया था, क्योंकि सिंपल डेरिवेशन था तो ये फॉर्मूले तक निकाल के सर ने दे दिया था, लेकिन किसी ने इसको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाया था। लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो अपना जर्मर और डेविडसन है उन्होंने इसको प्रैक्टिकली किया था, और वो बहुत ही प्यारा है जो इसका प्रूफ है
कि जो डी ब्रोगली सर जो कह रहे थे वो हाइपोथेसिस नहीं है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं और ये वाला आई थिंक आपको पूरा बढ़िया से समझ आया होगा। यहाँ मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू है, और कुछ भी पोटेंशियल ले लोगे तो मतलब कोई जनरल वैल्यू रहेगा, मतलब उस पर्टिकुलर जब जब यहाँ पे पोटेंशियल 20 वोल्ट था। देखो यार पहले के वीडियो तुमने देखा है ना, अलग अलग वेलोसिटी पे अलग अलग वेवलेंथ, जब वेलोसिटी इन्फिनाइट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी रहेगा, तो उस केस में मैंने क्या बताया था, वेवलेंथ बहुत ही छोटे छोटे हो जाएंगे। तो वेलोसिटी के साथ वेवलेंथ का रिश्ता है, जो हमने लास्ट वीडियो में बात भी किया था, और मैंने बताया था कैसे टेम्परेचर से भी इन्फ्लुएंस होता है ना क्या। तो ये था आपका डी ब्रोगली का वेवलेंथ, और बी इलेक्ट्रॉन का, और ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया, और ये वाला भी करवा दिया। चलो ये आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, तो ड्राइव करके भी कर सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं डेविडसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट। तो तब तक के लिए गुड बाय।